एनसीपी में अजीत पवार और शरद पवार के बीच शक्ति प्रदर्शन का दौर जारी है। दोनों गुटों में विधायकों को लेकर अपने अपने दावे किए जा रहे हैं। अजीत पवार खेमे ने एनसीपी पार्टी और चुनाव चिन्ह पर अपना दावा किया है। अजीत पवार का 30 विधायकों के साथ होने का दावा किया गया है। शरद पवार की बैठक में 17 विधायक पहुंचे थे। 6 विधायक ऐसे रहे जो ना अजीत पवार की बैठक में शामिल हुए ना ही शरद पवार की मीटिंग में। वहीं शरद पवार की बैठक में शामिल रहे निर्दलीय विधायक देवेंद्र भुयार ने अजीत पवार गुट को अपना समर्थन दिया है। हालांकि शरद पवार गुट का कहना है कि विधायकों की संख्या और बढ़ेगी, कुछ दिनों में आपको ये संख्या निश्चित ही बढ़ती हुई दिखाई देगी। 288 सदस्यों वाली महाराष्ट्र विधानसभा में एनसीपी के 53 विधायक हैं। एनसीपी पर कब्जे की जंग लड़ रहे शरद पवार और अजीत पवार ने शक्ति प्रदर्शन किया, जिसकी शुरुआत सुबह से ही हो गई, क्योंकि एनसीपी किसकी है ये तय करने के लिए दोनों गुटों ने अलग अलग बैठक बुलाई और एक दूसरे को अपनी ताकत दिखाई। अजीत पवार गुट लगातार दावा कर रहा है कि एनसीपी के ज्यादातर विधायक और सांसद उसके साथ हैं, और यही दावा सच साबित करने के लिए अजीत पवार ने मुंबई के बांद्रा में कार्यक्रम किया, जिसमें मंच पर शरद पवार की तस्वीर नजर आई। अजीत पवार के नए दफ्तर में भी शरद पवार की तस्वीर लगी है, जिसके जरिए उन्होंने संकेत दिया कि एनसीपी टूटी नहीं है बल्कि उसका नेतृत्व बदल गया है। कार्यक्रम में मंच से भी उन्होंने शरद पवार से जिद छोड़ने की अपील की। वरिष्ठ ना विनंती है कि तन्नी थोड़ा आराम करावा, एवढा हट्टीपणा करू नये। लेकिन शरद पवार ने अजीत पवार की बातों को अनसुना कर दिया और मुंबई में पार्टी के दफ्तर पहुंच गए, जहां उन्होंने अपने समर्थकों के साथ बैठक की। यही नहीं, शरद पवार गुट दिल्ली में भी बैठक करने वाला है। एनसीपी पर कब्जे के लिए शरद पवार और अजीत पवार के खेमे में आंकड़ों की जंग शुरू हो गई। यही नहीं, मामला चुनाव आयोग तक पहुंच गया। अजीत पवार गुट ने चुनाव आयोग के सामने अपना दावा पेश किया और बताया कि एनसीपी बढ़ गई है, इसलिए चुनाव आयोग नियमों के तहत फैसला करे। यही नहीं, बांद्रा में हुए कार्यक्रम में अजीत गुट ने दावा किया कि उनके पास 40 विधायकों का समर्थन है, हालांकि वहां केवल 33 विधायक ही पहुंचे। आज तो उपस्थित है, खाई ट्रैफिक में अटकले। तो वहीं मुंबई के यशवंतराव चव्हाण सेंटर में शरद पवार का समर्थन करने 15 विधायक पहुंचे, जिन्हें शपथ दिलाई गई कि वो शरद पवार के साथ रहेंगे। यही नहीं, शरद पवार ने वहां डंके की चोट पर बोल दिया कि वो एनसीपी का चुनाव चिन्ह नहीं छोड़ेंगे। दो सौ 288 सदस्यों वाली महाराष्ट्र विधानसभा में एनसीपी के 53 विधायक। बड़ी खबर महाराष्ट्र से ही, जहां जल्द ही शिंदे कैबिनेट का विस्तार होगा। कल देर रात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपने गुट के सभी विधायकों के साथ बैठक की, जिसमें आने वाले लोकसभा और विधानसभा सत्र की रणनीति पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने एनसीपी और बीजेपी के साथ मिलकर समन्वय के साथ काम करने के निर्देश सभी को दिए। उधर एनसीपी में फूट के बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपने गुट के सभी विधायकों की बैठक की। एनसीपी के सरकार में शामिल होने के बाद शिवसेना के विधायकों की नाराजगी दूर करने के लिए ये बैठक बुलाई गई थी। हालांकि शिंदे गुट की तरफ से दावा किया गया है कि विधायकों में नाराजगी नहीं है। विधायकों में कहां भी नाराजगी नहीं थी, हमारे सबका विश्वास एकनाथ जी शिंदे साहब के ऊपर है। एकनाथ शिंदे के इस्तीफे देने की खबरों को भी शिंदे सरकार में मंत्री उदय सावंत ने खारिज कर दिया। एकनाथ शिंदे साहब के नेतृत्व में सीएमशिप में ही एमपी और एमएलए के चुनाव होंगे। साथ ही उदय सावंत ने भी ये जानकारी दी कि जल्द ही महाराष्ट्र में कैबिनेट का विस्तार होगा।